नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन हाँ एसिड बेसिस कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सो पेज 33 व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। किससे अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो ब्लीचिंग, यस दैट इज फार्मूला भी लिख दो नाम भी लिख दो, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे कह रहा है कि Cl2 की किससे रिएक्शन करा दी जाए जिससे कि हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। तो यील्ड का मतलब प्राप्त होता हो, सो व्हाट यू यील्ड, यील्ड का मतलब प्राप्त होना होता है। तो किससे रिएक्शन कराई जाए, तो CaOH होल ट्वाइस। वैसे अगर चूने को आप पानी में डालोगे तो जो नीचे बैठ जाता है वो मिल्क ऑफ लाइम है, तो हम मिल्क ऑफ लाइम से रिएक्शन करा रहे हैं। इससे है ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो घुला नहीं है, जो डिसोशिएट नहीं हुआ, तो उसका भी फार्मूला CaOH होल ट्वाइस है। और इसका नाम क्या है बताओ? मिल्क ऑफ लाइम। आपको मालूम है जो पानी में जितना चूना घुलता है वो 0.01% ही है, और जो नीचे बैठता है वो कितना होता है? क्या 99.9%? ज़्यादा ये सॉल्युबल नहीं है, ये पार्शली सॉल्युबल है। तो इसलिए नीचे वाले चूने को, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक पाउडर है ना वाइट कलर का, तो पानी से तो नहीं बना लोगे, बनाने के लिए तो आपको कुछ चाहिए ना मटेरियल। तो मिल्क ऑफ लाइम में ही तो क्लोरीन पास करोगे और फिर उसको क्रश कर दोगे। तो यही आंसर है, दैट इज नाम आप यही लिख देना, यही आंसर है। आपकी जानकारी के लिए बताया कि मिल्क ऑफ लाइम में करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देना। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो दैट इज वॉशिंग सोडा, ये ठीक है, Na2CO3 10H2O। तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जिससे वो लेदर या फोम दे सके। वॉट विल हैपन इफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर NaHCO3 को अनीशा हीट किया जाए तो क्या होगा? वो है अनीशा है, ओके। ईशान आप बताओ, नहीं है सर अभी। अच्छा ठीक है, ईशान आप बताइए, इसको हीट करोगे तो क्या? प्लस CO2, ये सो इससे हमको वी विल यील्ड, ये कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा। अगर क्या मिलेगा, ये गिव द रिएक्शन ऑफ, ये वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट, सिंपली लिख दो वी विल गेट सोडियम। किस पर? सो वी विल गेट, हाँ, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2, ये सब मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 में वाटर से रिएक्शन कर दो तो क्या बनेगा? CaSO4 और हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O, इट विल गिव, जस्ट वन मिनट। हाँ तो इट इज CaSO4 2H2O, तो दैट इज जिप्सम। सो दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हमने ये डाल दिया, पानी डाल देने से ये हार्ड मास बन जाता, इट सेट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाता है। एक्सरसाइज पे आइए,
एक्सरसाइजेस के पहले क्वेश्चन बताओ, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ब्लू बना देता है, क्या हो सकता है उसका पीएच? वन होगा कि फोर होगा कि फाइव होगा कि टेन? टेन हो जाएगा। नाउ अस भाई बुक में चेंज हो गया क्या? हाँ, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एक्सल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। सॉल्यूशन है वो क्रस्ड एक्सेल, क्या आपको मालूम है ये जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो क्या चीज इससे क्या चीज रिएक्ट करे कि जिससे मुझे CO2 मिल जाए, बताओ सीजन। हाँ, अंडे के छिलके से, ये एग है, ये सही है, HCl से करा दो, तो HCl से कराओगे तो क्या मिलेगा? CaCl2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा, और ये जो गैस है अगर इस गैस को आप पास कर दो किसी चीज़ में, सो दिस गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर, तो क्या ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगी? तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, HCl है, सो आंसर है बी। थर्ड देखिए कि 10 ml सॉल्यूशन NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। NaOH का अगर हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया है तो वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, वाटर निकाल देता है 10 ml, यानी इसका मतलब है कि दोनों इक्वी मोलर हैं, दोनों में दोनों के समान मोल हैं, और तब ये NaCl और H2O बनाता है। अगर मैं इसके 20 ml ले लूँ तो ये कितना लेना पड़ेगा? हाँ, तो इस तरीके से 16 डबल लेना पड़ेगा इक्वी मोलर, क्योंकि हमें कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। देन इट विल बी डी, डी इज करेक्ट। एसिडिक की बात नहीं है, दोनों सॉल्यूशन में कितना पानी है, एक्चुअली ये कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थोड़ी है, यानी कि ये प्योर नहीं है ना, प्योर होता तो दोनों का एक एक मोल लेना पड़ता। और फिर ये भी आपको नहीं पता कि दोनों आप देखो, एक बीकर में अगर आप सोना ले लो और एक बीकर में पानी ले लो, तो पानी का अगर इसका वजन 1 kg है तो जो मेल्टेड गोल्ड है उसका वजन कितना होगा बताओ? 18.9 kg, क्योंकि गोल्ड उससे कितना भारी है, 18.9 times भारी है, तो वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है ना। वॉल्यूम से कैसे आप पता लगा ले रहे हो कि कितना दोनों का वजन है और कितने मोल्स हैं? मोल्स के लिए तो मास चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है बताओ सीजन? वो तो मास से पता लगेगा ना, मास अपॉन मोलर मास। तो इसलिए यहां पर हम वॉल्यूम से नहीं पता लगा सकते हैं, हो सकता है कोई चीज हल्की हो कोई भारी हो, तो ये क्या दोनों के मोल पता लगा रहे हो क्या वॉल्यूम से? वॉल्यूम से नहीं पता कर सकते, कोई कोई किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कोई डेंसर होता है, इसलिए वी कैन नॉट फाइंड आउट। एंड मोर ओवर द सॉल्यूशन में भी डाइल्यूटेड ऑल्सो, यहाँ कंसंट्रेशन तो दे नहीं रहा है कि मोल पर लीटर में, तो इतना है कि ये एक तरीके का टाइट्रेशन है, कि जैसे आपने एक वीडियो मैंने दिखाया नहीं था कि दो में से एक NaOH डाइल्यूट था और एक HCl मिलाया था तो ग्रीन हो गया, तो उसमें दोनों ही डाइल्यूट थे लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था, तो धीरे 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 ऐड किया जाता है, ये पता लगा जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है। सो सॉल्यूशन में बी डाइल्यूट, अदरवाइज इफ इट इज प्योर देन ओनली यू कैन टेक 1 mole each। 1 mole का मतलब समझते हो, NaOH का 40 ग्राम और HCl का 36.5 ग्राम, जो मोलर मास होता है, समझ में आई बात की नहीं? तो ये 40 ग्राम है और ये 37 है, वैसे भी तो मास कमी है इसका, बोलो ये 35.5 + 1 करोगे तो कितना आएगा? 36.5 नहीं आएगा मोलर मास, और Na का 23, O का 16 और H का 1, तो 40 ग्राम, ये 40 है, ये 36.5, तो अलग अलग नहीं है क्या? फोर्थ बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज, अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो क्या चीज लोगे? एंट एसिड लोगे, ये जैसे NaHCO3 ले सकते हो, MgOH होल्ड ट्वाइस लोगे, कोई भी चीज जो बेसिक हो। हाँ बोलो। हाँ, जैसे कभी इसका अलग अलग मतलब है,
देखो एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, बायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटी बैक्टीरियल लेते हैं, एंटी बैक्टीरियल। अगर आपके बॉडी में जो भी ऐसा कोई फीवर है जो बैक्टीरिया की वजह से आया, अमीबा की वजह से, पैरामीशियम की वजह से आया, तब आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अच्छा एक बात और बता दूं, वायरस को मारा नहीं जा सकता, वायरस के केस में हमें अल्टरनेट पाथवे अपनाना पड़ता है, लेकिन वायरस मरते नहीं हैं, तो इसलिए डॉक्टर लोगों के पास जाते हो तो कहेंगे अरे अरे इसको वायरल फीवर है, और पूछो डॉक्टर दवा दे दो, कहेंगे अरे अरे बता रहा हूँ उसको वायरल कैसे फीवर है। रोक सकते हैं? मतलब वो वायरस को हमारी बॉडी में ही एक ऐसा इम्यून सिस्टम बन जाएगा कि वो उसे उसी को ख़त्म करेगा, आप बाहर से दवा लोगे तो वायरस नहीं ख़त्म हो सकता है, तो वायरस कैन नॉट बी किल्ड, इसलिए वायरल फीवर होने पर अपने आप ही ठीक होता है, उसको मारा नहीं जाता। लेकिन अगर और कोई बैक्टीरिया है तो उसके लिए क्या लेते हो, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अच्छा एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन है, सो काउंटर द इन्फ्लेमेशन, कोई चीज़ जलन हो रही बहुत, तो ऐसी दवा ले लो कि वहाँ पर वो दवा खाने के बाद वहाँ जलन ना हो, जैसे कहीं वूंड्स नहीं हो जाते हैं, घाव हो जाता है, पस निकलने लगता है और वहाँ बहुत जलन मचती है, तो ऐसे केस में क्या लिया जाता है, इट इज टू सब्सिडाइज, प्राइस कम करने के लिए, सब्सिडाइज, जैसे सब्सिडी नहीं मिलती है, छूट मिल जाती है, सब्सिडाइज इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में जलन हो रही है तो क्या लोगे, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, रेनिटिडीन ले लो। रेनिटिडीन कभी लिया है, कभी जलन हुई है तो डॉक्टर ने बोला होगा तो ध्यान होगा तो होगा। अब इसके अलावा एंट एसिड तो मालूम ही है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, हाँ इट इज टू हील स्किन, स्किन इन्फेक्शन को हील करने के लिए। सो एंटी सेप्टिक, सबसे अच्छा नेचुरल एंटीसेप्टिक कौन है, टू, हाँ हील, ये जो है स्किन इन्फेक्शन, तो और कहीं हम अगर लेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इनडाइजेशन के लिए आपको एंट एसिड लेना पड़ेगा, हल्दी और ये सब नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ आंसर है सी इज करेक्ट। अब देखिए कि फिफ्थ, देखो राइट वर्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कह रहा है, तो फिफ्थ में राइट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्ट कराओ, जिंक कुनाल बताओ क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 को जिंक से रिएक्ट कराओ, हाँ ये बात सही है, तो ये साल्ट बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl है और इसको मैग्नीशियम रिबन डाल दो इसमें, हाँ जी, तो क्या होगा, प्रांजल, हाँ हाँ बोलो, तो हम इसे, ठीक है MgCl2+H2 ये निकल गया। अगला आप बता दो कुणाल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराओ, प्रांजल, प्रांजल बताओ। हाँ और ठीक है, H2 आएगा सर, अब मैं इसे बैलेंस कैसे करूं, बैलेंस करो, सर H2SO4 के आगे 3 होगा और सर 2 हो जाएगा इसके साथ सही में, है, और से इसके साथ समझ में आ 3। गया। नाउ अब हम देखते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फाइलिंग्स, अमित, अमित टेस्ट पूरा हो गया HCl में, हाँ अभी हम Fe से रिएक्ट कराएं तो बताओ क्या होगा। ठीक है तो मैं यहाँ टू थ्री होगा ना शायद से, थ्री थ्री कब होता है सल्फ्यूरिक क्लोराइड होगा ना, ये समझ लो, जैसे कभी भी ना ये AgCl से रिएक्ट करे तब थ्री बनाता है। हमने आपको एक शुरू में वो बताई थी क्या कि लिकवा सर नाका, बोलो पहले चैप्टर में, सर बताई थी सर ये
हाँ बताई तो थी। यस सर बताई थी सर। तो मैं ये एक्टिविटी सीरीज है, अब ये अगले चैप्टर फिर आ रही है देखो एक दिन बाद, फिर संयोग की बात है मेटल एंड नॉन मेटल। मग अल मन जन कर फी कड़ को नी सन वो पोटेशियम तो ब लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। आई यस तो फे ह गाग यानी बर तो ठीक है पट कल ऑफ। ये हमारी एक एक्टिविटी सीरीज है, इसका क्या नाम है लिकबा, निमोनिक्स क्या है इसकी देखो लिकबा हो गया सर नाका मग अल मंजन मग अल मन जन। सारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सब इसी पे बेस्ड है क्या? सर ये पोटेशियम से सर लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। फीकड पोटेशियम, ये अभी आगे जब आप पढ़ेंगे ना 11th में, सिर्फ रिएक्टिविटी नहीं देखी जाती है, ये वाटर में जाने पर कितना हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो लिथियम की 1580 है किलो जूल पर मोल, छोटा एटम है Li प्लस से बहुत पानी के मॉलिक्यूल भागते हैं। सो देर आर वेरियस थिंग्स टेकन इन द, जब सोल्यूशन में देखा जाएगा तो सोल्यूशन में लिथियम सुपीरियर पड़ता है क्योंकि इसकी ये छोटा सा लिथियम होता है और इसमें बहुत सारी वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, खूब एनर्जी रिलीज करते हैं, तो पानी में ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए लिथियम पहले आता है। अगर आपको अपनी बुक में देखना है तो बुक में ये दिखाया गया है, मैं पेज बता देता हूँ, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल में देख लो, उसी में ही लिखा है। कहाँ पे लिखा है? बोलो। हाँ पेज नंबर 45 में दी है, पेज नंबर 45 ये देखो, लेकिन उसमें लिथियम नहीं दिया है ठीक है ना। हाँ इस पे दिया है। अरे फिर चलो अच्छा दिखाई देते हैं, एक मिनट। क्या किसमें? हाँ एक मिनट रुको। एक्टिविटी सीरीज तो ये जैसे है कि ठीक है ये देखो, यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा इस ये, लेकिन आपको आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ आप ऐसे देख लो। सबसे ऊपर कौन सा है? लिकबा ठीक है, स्ट्रॉन्शियम भी मिसिंग है, हमने आपको पूरी सीरीज बताई है, वैसे ये आधी है और भी होगी ऊपर, गोल्ड तक है, लेकिन इसमें फिर भी 6-7 एलिमेंट मिसिंग है। तो हमने आपको जो सीरीज बताई है वो पूरी है, उसमें कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो सबसे ऊपर कौन सा है? लिथियम। अब ये क्यों ऐसी सीरीज है, जो इनका क्वेश्चन है सीजन का वो अगले चैप्टर का है, तो अभी हम इसका जवाब देंगे तो बहुत बढ़ जाएगी बात, तो हम बात बढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि क्यों है, वास्तव में उन्होंने अगला चैप्टर स्कूल में पढ़ लिया है तभी वो कह रहे हैं सर बताइए बताइए लिथियम क्यों ज़्यादा है। लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ तो अभी चैप्टर शुरू हुआ है ना, तो हम सीजन को ये जस्टिफाई नहीं कराना चाहते हैं कि लिथियम क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, अगले चैप्टर की चीज हम यहां क्यों बताएं, है बात कि नहीं? सर फीकट कोनी, तो कर फी कट कोनी और सन पी भ कु आई तो, ये देखो अगला क्या है सन पी भा से क्या बनता है बताओ, बी एच होता है तो बी एच में से बी यहां लगा दो एच ये, तो भा बना कि नहीं, भा कु आई तो, कु आई तो, फिर क्या है सन पी भा कु आई तो का मतलब आई टू, आई तो यानी टू। फे हगाग, अब देखो यहां पर भी सीजन ने फिर सवाल उठाया, बोला आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में तो दो था और दो एफी थे, तो
तो यहां पर जब आपने इसकी रिएक्शन कराई इस एच से तो टू लगाया, और इसकी अगर आगे वाले से लगाते तो क्या थ्री लगाते? बहुत जस्टिफाइड सवाल है इनका, आप गहराई देखे सवाल की, किसी और बच्चे ने क्यों नहीं उठाया ये सवाल, सीजन नहीं क्यों उठाया? सीजन का ये कहना था कि आप मुझे, अच्छा सीजन का नहीं था, फिर और किसी का होगा, सीजन ने ये बात कही कि एफ ई अगर ए जी सी एल से रिएक्ट करेगा तो एफ ई सी एल थ्री बनाएगा, देखो बहुत बड़ी बात कर दी, और थ्री ए जी, यानी आप ये देखिए इसके आगे वाले से रिएक्शन अगर करे तब थ्री की ये स्टेट शो करेगा। हाँ ठीक है, ये कुणाल ने ये बात कही थी, और अगर एफ ई इससे पहले वाले से करेगा हाइड्रोजन से तो टू का करेगा, कुणाल नहीं तो बताया एफ ई सी एल टू, लेकिन किसने ऑब्जेक्शन किया कि एफ ई सी एल थ्री बनेगा? किसी ने तो किया, सर मुझे कुछ सोचना था, मैंने किया था। हाँ तो सीजन ने बात ये बताई कि सर आप यहाँ क्लियर करो सबको कि एफ ई सी एल थ्री क्यों नहीं बनेगा, हमें तो पता है, लेकिन सीजन ने कहा लेकिन बाकियों को तो नहीं पता, उनके लिए आप एक बार बता तो दो, नहीं तो वो यही कंफ्यूज रहेंगे कि आपकी एक्टिविटी सीरीज में दो जगह एफ ई आ रहा है, और इसलिए उन्होंने सबके हित के लिए बात कही। तो फे हगाग बर्तो, फे हगाग पट कल ऑफ, देखो ये हमने पूरी सीरीज लिख दी है इसकी नियम, पटकल ऑफ फे हगाग बर्तो। अब जरा देखो, कभी भी आयरन अगर किससे रिएक्शन करेगा HCl से तो ये बनाएगा आयरन, पहली बात ये जो आयरन है किसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्या अपने आगे के सभी को डिस्प्लेस कर सकता है? बताओ, कोई भी चीज जो पहले है वो मोर रिएक्टिव है तो वो आगे वाले को क्या उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है? मान लो सोडियम और कैल्शियम आ गए और सोडियम यहां खड़ा रहा और कैल्शियम CaSO4 लेके खड़ा रहा तो खट से डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं? कहेगा आप यहां से निकलो, आई विल गिव रिएक्शन एंड आई विल मेक कंपाउंड, यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। बोलो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले वाला बाद वाले को डिस्प्लेस करता है कि नहीं? इसी बेसिस पे पहला चैप्टर आपने पढ़ा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे देखो, एफ ई किसको डिस्प्लेस कर सकता है? ये जाहिर बात है पहले वाले को नहीं कर सकता। अच्छा, मेटल एंड नॉन मेटल में भी ये पढ़ चुके होंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है, तो एफ ई क्या अपने आगे वाले को डिस्प्लेस करेगा? क्या ये उनसे ज्यादा रिएक्टिव है? भाई इन्होंने क्यों, एग्जाम्पल से समझो, ये बात सीजन ने क्यों कही कि पोटेशियम को पहले रखो, क्योंकि ये बात इन्हें मालूम थी कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए पहले रखो। अल्टीमेटली जिसे पहले रखा जाएगा क्या वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? बोलो, मोस्ट रिएक्टिव पहले वाला है। और क्या लिथियम सभी को डिस्प्लेस कर देगा? बताइए, लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड बहुत सारी हीट भी निकालेगा एंड 3.86 वोल्ट एनर्जी, वो वोल्ट का वो पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है अगर लिथियम की सेल बनाओ। क्या आपके ये जो फोन आते हैं सब में लिथियम कैडमियम बैटरी है? क्यों है लिथियम कैडमियम? कोई राज होगा। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम कैडमियम क्यों नहीं बना दी गई? मोस्ट रिएक्टिव एंड डिस्प्लेसेस ऑल अदर मेटल, ठीक है, फ्रॉम देयर सॉल्ट। इसी से तो चाइना का झगड़ा हो रहा था हमारा कि वो लिथियम कैडमियम बैटरी हमें नहीं दे रहा था जब से ये हम लोगों का डोकलाम विवाद हुआ। फिर अब उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे यहाँ बन गया है कि जो हम मोबाइल कंपनियां हैं वो इसीलिए फेल हो रही हैं कि लिथियम कैडमियम की बैटरी नहीं बना पा रही हैं, तो अब उसके लिए लिथियम हमने दूसरे देशों से मंगाया, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है, अब हमारे यहाँ बनने लगी। तो ये एक साल हो गया इस बात को कि नहीं? सो अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के आधार पर ही मोबाइल की कीमत होती है, मोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब जरा देखो, अब बताओ एफ ई किसको डिस्प्लेस करेगा? क्या आगे सबको कर देगा? जब एफ ई इन सब से रिएक्शन करेगा इनके आगे वालों से तो थ्री की स्टेट पे रिएक्ट करेगा, और इन सब से करेगा तो टू की। बोलो बात समझ में आई? यानी एफ ई अगर एच सी एल से करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? फिर से देखो, दो रिएक्शन में फर्क देखो, अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और अगर AgCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इसके आगे वाले से करे तो क्या थ्री की स्टेट देगा? मान लो हम AgCl से
बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम भी कराना चाहते थे। तो FeCl2 ले लें और AgCl, ये भी और रिएक्ट करेगा, ये FeCl3 बनाएगा और Ag को निकाल देगा। और यहाँ भी यही करो, FeCl3 और प्लस 3 Ag। बोलो अभी क्लियर हो गई बात? आयरन के केस में कि Fe के आगे है, Fe के आगे क्या क्या है? कैडमियम है, फी कड को नी सन पी भ कू आई तो, यहां तक देख लो, इन सब के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 की स्टेट देगा। चाहे किसी का क्लोराइड ले लो, किसी का सल्फाइड ले लो, अगर Fe कैडमियम के साथ करे तो उसके साल्ट को डिस्प्लेस भी करेगा और साथ में 2 की स्टेट देगा। समझ में आई बात? अगले चैप्टर में तो खैर समझ ही जाओगे। अब और बकु आई तो फिर से फे आ गया, लो फिर से फे आ गया, फे ह गाग बरतो पट कल ऑफ। इसमें सब ये जो फ्लोरीन है क्लोरीन है इन सब की बात मत करो, ये हटा दो सब, इन सब की बात नहीं की जाएगी। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर ये FeHg से रिएक्ट करेगा तो बताओ, HG से नहीं करेगा, HG के साल्ट से, मान लो HgCl2 से करेगा तो क्या बनाएगा? बोलो श्रीजन। हाँ बोलो। हाँ देखो, अभी सीजन ने क्यों बोला FeCl3, क्योंकि सीजन को ये बात मालूम है कि इसके आगे ये 3 के स्टेट देगा, है ना? नहीं तो Cl2 भी बोल सकते थे कि नहीं? तो इसके आगे 3 है और इसके आगे 2, इस रिएक्शन को पूरा करो सीजन। हाँ HG, अब बाकी को बैलेंस कर दो, तो ये 3 है तो यहाँ 2 लगाओ, फिर यहाँ 3 लगाओ और ये 2 लगा दो। बोलो है बात क्लियर? एक दो और एग्जांपल चाहिए कि क्लियर हो गई बात? ये पूरा कंटिन्यूटी, बोलो क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हो गई है तो फिर आगे, अभी ये एक अभी आधे घंटे बाद इसी चीज को फिर उठाएंगे ना, मेटल और नॉन मेटल में आ रहे हैं, आधे घंटे रुक जाओ, हैं आधे घंटे रुक जाओ, अभी आ रही है ये बात। इतना ही हमने बता दिया आपको कि जो Fe है, हाँ Fe यहाँ से यहाँ तक 2 की स्टेट देगा किसी के साथ से रिएक्ट करे, और इसके आगे वाला कोई आ जाए तो बोलेगा तुम्हारे तो तीनों क्लोरीन ले लूंगा, इसके आगे वाला आ जाए कहेगा तुम तो बहुत कमजोर हो। वही Fe है, वही Fe है, लेकिन अब इसके आगे बात में फर्क आ गया, बिल्कुल गरीब हो कोई तो उसका तो खून ही चूस ले राजा, और थोड़ा मीडियम हो तो थोड़ा पैसा ले। समझ में आ गई बात? ये इससे बहुत कमजोर पड़ते हैं, है वही आयरन, लेकिन यहाँ तक इसमें 2 सिंबल लगाया, यानी इन सबसे थोड़ा थोड़ा लेगा, और गरीब होगा तो पूरा ले लेगा क्या उसका सारे क्लोरीन? यही बात है। अब चलो दैट विल बी, इसका क्या होगा कैसे होगा वो हम आगे देख लेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, तो कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, वाई दे दीज आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। सो कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया, और दूसरा कौन सा है? एंड एल्कोहल, वैसे एल्कोहल में C2H5OH आता है। डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर, डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर एंड रिमेन, वो किसमें बने रहते हैं? मॉलिकुलर फॉर्म, अभी क्लियर है?
सो दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर एंड रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म, तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं C6H12O6 है ग्लूकोज को पानी में डाल दूं, तो ऐसा करने पर पानी में ये घुल तो जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं, यानी इसके जो पार्टिकल होंगे ना ग्लूकोज के, वो बस ऐसे ही मिले रहेंगे, वो टूटेंगे नहीं। हर एक पार्टिकल क्या होगा, क्या C6H12O6 होगा जो जाएगा, जबकि तो ये सॉल्युबल तो है बट डिसोसिएट नहीं होता, नो रिएक्शन। इसकी इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, ना ही एच प्लस देता है ना ओ एच देता है, ये ऑर्गेनिक है। तो ग्लूकोज कोई भी रिएक्शन नहीं देता, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल नहीं देता, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो किसकी, हाँ तो इसकी एक्टिविटी लिखेंगे। अच्छा, रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म, ये मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है, और क्या एच प्लस आयन रिलीज करता है, एंड डज नॉट रिलीज एच प्लस आयन, जब मॉलिक्यूल ही नहीं टूट रहा। सो एंड डज नॉट रिलीज, डू नॉट कर दीजिए क्योंकि दो के बारे में पूछा गया है, तो डू नॉट रिलीज एच प्लस आयन एज इट हैज नो चार्ज कैरियर, कैरियर एज इट हैज नो चार्ज कैरियर, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर डू करो क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, डू करो, एल्कोहल भी है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इसको क्या करो, एक टम्बलर ले लो बर्तन, और टम्बलर में, हाँ यही लिखना है। अब इसमें क्या करो कि एक यहाँ पर एक कॉर्क ले लो, और कॉर्क में दो पिन लगा दो, दो पिन लगा दिया, और इन दोनों पिन को क्या करो, क्या सेल से कनेक्ट कर दो, और सेल से कनेक्ट करके क्या एक बल्ब भी लगा दो, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब लगा दीजिए। अब सेल से आपने कनेक्ट कर दिया, और ये किसका सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, और क्या वाटर में है, क्या ये एक्वियस है, तो क्या ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज कैरियर है तो नहीं है, तो डू नॉट ग्लो। दिस एक्टिविटी कंफर्म दैट ये ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, क्या चार्ज कैरियर। सो दिस आज बता देते हैं, एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स। दिस एक्सपेरिमेंट यानी वो कह रहा है कि ये कॉर्क है, कि अगर ऐसा होगा तो अगर मान ले हमारे पास HCl है पानी में, तो पानी में अगर HCl है और मैंने कॉर्क सेल में ये जैसे यहाँ पर पिन लगा दी कॉर्क सेल में, तो क्या होगा, डिफ है क्या चीज, कॉर्क। ये जो पेड़ की बार्क होती है, कभी कभी ढक्कन नहीं लगता, ये कांच की बोतलों के ऊपर कॉर्क का बहुत हल्का सा होता है, या जो आप शटल खेलते हो ना, शटल के पीछे का हिस्सा, ये बैडमिंटन खेलते हो, शटल के पीछे का हिस्सा कॉर्क होता है। अच्छा, अब ये जरा देखो कि अगर इसमें मैंने पिन लगा दी, और पिन लगाने के बाद इसमें मैंने ये सोल्यूशन HCl का लिया है, HCl प्लस वाटर, तो यहाँ पर और इसमें ऐसे कर दिया और एक बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इस सोल्यूशन में H प्लस भी है, और ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस, तो इसमें अपोजिट चार्जेस का दोनों तरफ चले जाएंगे, H प्लस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और Cl माइनस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और इस तरह से कंडक्ट करेंगे, यहाँ चार्जेस की कमी नहीं है, तो अपोजिट यानी यहाँ पाथ पूरा हो जा रहा है, रुक तो नहीं रहा ना बीच में, कि ये प्लस और माइनस वेट कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, न्यूट्रलाइज तो हो रहा है कि नहीं, तो चार्जेस होंगे तभी तो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, के बिना चार्जेस के करेगी, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्या,
मूव करने के लिए चार्जेस तो होने चाहिए कि नहीं? नहीं तो जहां चार्ज नहीं होगा वहां लकड़ी में लगाए रहो आप, कितने वोल्ट का करंट, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से दिस एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स कि यहाँ कोई है ही नहीं चार्ज, तो ये प्लस बन के वेट करता रहेगा और ये माइनस। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि सर्किट को आधा तोड़ के रख दिया। तो जब ये प्लस है ये माइनस है, और ये जब लूप पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज जा नहीं पा रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव, तभी तो चार्ज पूरा चल पाएगा, सर्किट पूरा होगा। तो जब ये सर्किट ही आपका खुला हुआ है, वास्तव में देखा जाए तो ये ओपन सर्किट है, ग्लूकोज का सोल्यूशन भी कोई सोल्यूशन हुआ? ये तो ऐसा है कि दो तार पकड़े खड़े हो और टच भी नहीं कर रहे हो, तो बताओ बगल वाला बल्ब जलेगा क्या? बैटरी लगा दी और तार बीच से काट के पकड़े खड़े हो तो बल्ब जल पाएगा? तो आप उसे पकड़े खड़े रहो, ग्लूकोज में डाल दो, ग्लूकोज तो बेचारा हेल्पलेस है, कह रहा हम तो कहीं जा नहीं सकते हम आपका जो है, क्योंकि होना क्या चाहिए, क्या निगेटिव वाले टर्मिनल से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दे तब सर्किट पूरा होगा। बोलो, निगेटिव वाले टर्मिनल से यहाँ इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं पूरे सर्किट में, बोलो क्या चल रहा है? अब HCl सोल्यूशन में देखो, HCl सोल्यूशन में वास्तव में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, ये जरा देख लो कैसे होता होगा ये। अच्छा बाहर क्या है? बाहर तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ चीजें चल रही हैं, ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव, और ये हमारा HCl सोल्यूशन है। तो एक तरफ देखो इलेक्ट्रॉन नहीं भी चल रहे हैं, तो क्या क्लोरीन इधर चल रहे हैं? बोलो क्लोरीन। अच्छा क्या इस सर्किट में जो चलने की डायरेक्शन है, यहां से इलेक्ट्रॉन चले, बाहर की बात कर रहा हूं, यहां से ऊपर बाहर है और इसके अंदर ये है, तो बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन चले क्या? ये देखो इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, क्या पॉजिटिव टर्मिनल में, और अंदर अंदर क्या चले, क्या सीएल माइनस चले क्या? तो बोलो सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं? लेकिन लेकिन सीजन कह रहे हैं कि हम तो जानते हैं कि पॉजिटिव चलता है, अगर हम पॉजिटिव माने कि मान लो करंट चली, तो करंट ऐसी चली तो इधर क्या पॉजिटिव चला? तो उसके लिए भी जवाब है कि एच प्लस तो चला। बोलो पॉजिटिव मानो तो अंदर एच प्लस चला, और निगेटिव मानो तो बोलो क्लोरीन चला कि नहीं? सर्किट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कुछ चल रहा है क्या? ग्लूकोज में कुछ चलेगा कि सब ये खड़े देखता रह गए, सब दर्शक दीर्घा में, विजिटर्स लॉन्च, ये कुछ नहीं करेगा ये। तो दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स दैट ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट कंटेन एनी चार्ज कैरियर, दैट मीन्स ग्लूकोज हैज नॉट डिसोसिएटेड। बोलो क्या फोटो? नहीं, आपको आप ये देखिए कोई भी सोल्यूशन कंडक्ट करेगा जब उसमें कैटायन और एनायन होंगे, कैटायन एनायन नहीं होंगे तो किससे कंडक्ट कराओगे? तेल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्या? ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक चीज में नहीं, हमारे सर कह रहे हैं PT2 ऑफलाइन होगा ना जब, तो फिर वो रिटर्न में लेंगे। रिटर्न में ले या जिससे ले, चीजें तो समझनी पड़ेंगी ना, ऐसे तो बोझा बढ़ता चला जाएगा फिर तो। हाँ आंसर लिखोगे तो ये लिखोगे कि ग्लूकोज टूटता नहीं है, ग्लूकोज इज नॉट डिसोसिएटिंग इनटू एच प्लस आयन, एंड मतलब वो उसके एच ऐसे नहीं कि टूट जाए, सो जिसमें से एच प्लस आयन रिलीज ही नहीं होता है। सो इट्स कंफर्म दैट ग्लूकोज एल्कोहल, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, तो ये तो मैं लिख देता हूँ। सो एंड एल्को, तो ये आप पहले बता देते तो हमें लगा आप लिख लोगे। सो एल्कोहल डज नॉट कंटेन, ये डज नॉट रिलीज एच प्लस आयन इन वाटर। भाई हमने कहा आपको समझने में दिक्कत है, तो हमने समझा दिया है अलग अलग तरीके से, रिलीज एच प्लस आयन इन वाटर, यही तो बात हुई, क्योंकि बल्ब नहीं हो रहा है ये हमने लिख दिया, बल्ब डू नॉट ग्लो। सो इफ क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी क्या है? इफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या एल्कोहल इज टेकन
ठीक है, एंड क्या किया जाए, टू इट इज टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स या मेटल रॉड्स। टू इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, क्या सिर्फ मेटल रॉड ही है? अब उसको हम बस कनेक्ट कर दें तो दो इलेक्ट्रोड बन गया कि नहीं? टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन इट, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सके, डिप्ड इन इट एंड कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट कर दिया जाए, टू अ बैटरी अलोंग विद बल्ब। अलोंग विद बल्ब भी ले सकते हो या एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे अगर आप बल्ब भी ले सकते हो, नहीं तो एक एमीटर ले लो कि उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए तो मान लेना करंट बह रही है। विद बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा कर लिया, एंड दिस अरेंजमेंट इज स्विच्ड ऑन, एक की भी लगा देना, इज स्विच्ड ऑन, देन बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो, कंफर्मिंग दैट, इससे किस चीज को वो कंफर्म कर रहा है, कंफर्मिंग दैट द ये जो कंपाउंड है सोल्यूशन, कंफर्मिंग दैट ग्लूकोज या ग्लूकोज और एल्कोहल डू नॉट रिलीज, अब और लगाए तो डज, एंड होगा तो डू, रिलीज एच प्लस आयन इन वाटर एंड रिमेन, और बने रहते हैं इन मॉलिकुलर फॉर्म, आणविक अवस्था में। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो लिख लोगे आप, बताइए, ये तो अब समझ में आ गया ना, चा है बताओ, अरे आपको समझ में आ गई कि नहीं, आए जैसा भी, आने जाने से मतलब नहीं, चीज समझ में आनी चाहिए, आ गई कि नहीं, नहीं तो समझाएं। अब देखो, नाउ व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर डज, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है जैसे प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में इसमें से एक वो लो कंडेंस फॉर्म और ये वाटर, और इस वाटर को किसी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा करो, तो एक एक ड्रॉप वाटर गिरेगा, तो चू ये स्टीम है, इसको प्रेशर कुकर को आप गर्म करो तो इसमें से जो वाटर निकलेगा उसे कंडेंस कर लो, तो कंडेंस करोगे तो क्या होगा, कंडेंस करोगे तो ये वाटर कैसा आएगा बताइए, डिस्टिल्ड वाटर, व्हाट डज इट मीन बाय डिस्टिल्ड वाटर, यस इट इज, हाँ इट इज फ्री फ्रॉम एनी आयंस, इसमें कोई आयन नहीं है, एनी आयंस, और ये टेस्टलेस होता है, इट इज टेस्टलेस एंड इज प्योरेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। इतनी बात समझ में आ गई, तो अभी डिस्टिल्ड वाटर बताओ, अगर डिस्टिल्ड वाटर में मैं ऐसे लगा दूं सेल तो कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में बहुत थोड़े आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स 10^-7 मोल पर लीटर, जो कि बहुत कम है, डेसिमल के आगे 7 जीरो लगाओ तब 1 आएगा, 10^-7 मोल, सो डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स, प्लेनली बोल सकते हो वैसे तो बहुत कम होते हैं, तभी तो pH 7 है, कुछ तो होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कह रहे हो कि डिस्टिल्ड वाटर का, डिस्टिल्ड वाटर का अगर pH 7 है तो कुछ तो होते होंगे ना इसमें, एच प्लस आयन कितने होते होंगे, क्या 10^-7 मोल नहीं होते होंगे पर लीटर, और OH आयन कितने होते होंगे, वो भी इतने ही होते होंगे, वरना pH क्यों कहते कि इतना है, कुछ तो एच प्लस की कंसंट्रेशन होती होगी ना, दोनों मिलके 7+7 है, लेकिन ये इतनी कम कंसंट्रेशन है कि जहाँ दूसरे देखो कॉफी में 100 गुना ज्यादा, फिर उसके बाद 1000 गुना,
और फिर जब सेवन से जीरो पहुंचा तो क्या 10 के आगे 7 जीरो लगा दोगे तो क्या बनेगा? क्या 100 लाख गुना ज्यादा HCl में? आप देख लो 10 के आगे, क्योंकि 1 लाख में ही 5 जीरो लग जाते हैं। जहां इतनी बड़ी बड़ी लोगों की पूछ है, तो इसकी कोई पूछ होगी क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत कम है। तो इसलिए ये बताने के लिए समझाया आपको कि इसमें प्रैक्टिकली नो आयंस होते हैं, या ये भी आप लिख सकते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट, नेग्लिजिबल लिख सकते हो, होते तो है ना। तो क्या लिखोगे बताओ? हाँ, डिस्टिल्ड वाटर, असलियत यही है कि नेग्लिजिबल आयंस होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स नेग्लिजिबल, ठीक है, अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ एच नेग्लिजिबल, अमाउंट ऑफ एच प्लस एंड ओ एच आयंस। सो इससे क्या होगा? सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेग्लिजिबल का मतलब है नगण्य, विच कैन बी हुज काउंटिंग कैन बी इग्नोर्ड, हुज नंबर्स कैन बी इग्नोर्ड, जिसको नजरअंदाज किया जा सके। सो एस प्लस आयन, सो इट डज नॉट डिस्टिल वाटर, तो इसलिए क्या करेगा? क्या कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इफ ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, इफ इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाइल रेन वाटर, रेन वाटर में क्या क्या होगा? बहुत सारे आयंस होते हैं, कंटेन्स ए नंबर ऑफ मिनरल आयंस। कार्बोनेट वाटर में तो जब एटमॉस्फेयर में CO2 है, और जब CO2 ही वाटर से रिएक्ट कर जाए तो क्या बन जाता है बताओ? यही एक बहुत बड़ा है कि 2H+ भी होगा और CO3 आयंस होंगे, यही बन जाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में न जाने कौन कौन सी चीजें हैं। हाँ, लो सल्फर ही ले लो, अगर SO3 है उसी से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या H2SO4 बना देगा? और वो वाटर में क्या 2H+ और SO4 2- बना देगा? सो विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आयंस, रेन वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ आयंस, तो आयंस लिखना तो इसमें लिख देना कि H+ है, SO4 2- है, इसी तरीके से CO3 2- है, विच एक्ट्स एज चार्ज कैरियर्स, जो किसका काम करते हैं? एक्ट्स एज चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई कि अगर मान लो उसमें आपने ये अरेंजमेंट कर दिया तो क्या बात बन जाएगी? क्या क्या ये पॉजिटिव चार्ज उदास नहीं रहेगा? इसके पास आने के लिए निगेटिव आयंस रहेंगे क्या? क्या इसके पास सल्फेट आयन आ जाएंगे? इसके पास कार्बोनेट आयन आ जाएंगे क्या? बोलो। और जैसे सोल्यूशन के बाहर है तो सोल्यूशन के बाद कौन चल रहा था? सोल्यूशन के बाद ये प्लस है और ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इधर ही तो चल रहे हैं, और यहाँ कैसे चल रहे हैं? प्लस की ओर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन के चलने की, तो यहाँ अंदर अंदर किससे किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कंडक्ट हो रही है, सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं? और एच प्लस किधर चलेगा? इधर, क्योंकि करंट कैसे चलती है बताओ? क्या ऐसे चलती है? तो अंदर प्लस इस हिसाब से चल रहा है, प्लस का भी सर्किट पूरा हो रहा है, माइनस का भी हो रहा है क्या बताओ? इज इट क्लियर?
इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ चलेगा, और माइनस है माइनस के तरफ से माइनस के पास, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरेट करता है, तो फिर वहाँ से वो चलते हैं और इधर चले आते हैं। कभी भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिच होने की वजह से वो अंदर अंदर चलने में मुश्किल है, बाहर वायर के थ्रू चलने में बहुत आसान है। तो वायर से चलते हैं फिर अंदर अंदर चल के यहाँ पूरे हो जाते हैं, अंदर भी चलते हैं पूरा सर्किट तो पूरा करते ही हैं। तभी तो सेल गर्म हो जाता है, जब कोई खिलौना चलाते हो तो क्या सेल छू के देखा है कभी, या मोबाइल छू के देखा है, गर्म हो जाता है जब चार्ज करते हो, बोलो। तो इस तरीके से कंडक्ट, सीधी सी बात है कि रेन वाटर क्यों कंडक्ट करता है, तो क्या लिख दोगे, उसमें चार्ज होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है, बिकॉज इट कंटेन्स आयन। और बताओ डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता, क्योंकि इट्स डज नॉट कंटेन्स आयन। इतनी ही बात करनी, इट इज इन मॉलिकुलर फॉर्म, डिस्टिल्ड वाटर रिमेन्स इन मॉलिकुलर फॉर्म, इट डज नॉट कंटेन आयन, या कह दो नेग्लेजिबल आयन है और मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट के ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो रेन वाटर है ये रेन वाटर है, तो ये कर देगा कि नहीं बताइए। अभी ऊपर भी तो बताया कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, वाई डू एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो नाउ ईशान बताओ, अगर पानी न डाला जाए तो एसिड क्यों नहीं एसिडिक बिहेवियर शो करते, सर वाई डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये गलत बात है। अच्छा हम और किसी से पूछ लें, श्रेयान बताओ। और किसमें रहते हैं एंड रिमेन इन, पूरा ही आपने बता दिया, यही हमें लिखना था, यही आपने बता दिया कि एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4, ये HNO3 इन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्या? हाँ, तब भी यही है, लिटमस पेपर अपना कलर नहीं चेंज करेगा, क्योंकि पानी, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर H प्लस में पानी में टूट गया और Cl में टूट गया, क्या इनका मन नहीं करेगा फिर से मिल जाए, अपोजिट है, बोलो। तो इन्हें कौन नहीं मिलने दे रहा, क्या इन्हें चारों तरफ वाटर ने घेर लिया है, वाटर होगा तभी नहीं मिलने देगा, नहीं तो खट से मिल जाएंगे, टूटेंगे भी क्यों, और तोड़ने वाला कौन है, क्योंकि वाटर इनको घेर लेता है, तो वाटर इनको घेर के फिर कभी मिलने नहीं देगा। अगर NaCl तुमने पानी में मिला दिया तो क्या छुट्टी से वापस आओगे तो NaCl फिर Na प्लस और Cl माइनस मिल के नीचे क्रिस्टल बन के बैठ जाएगा क्या, कि नहीं, वो नमकीन पानी ही रहेगा, नमकीन पानी रहेगा, क्योंकि उन Na और Cl को किसने नहीं मिलने दिया, Na प्लस को किसने घेरा, Cl माइनस को, Na प्लस के पास O आ गए, बताओ O ज्यादा निगेटिव होते हैं कि H, बताओ तो वो इस लालच में आ गई, ये प्लस है, इसके पास जाओ अट्रैक्ट हो, और तो क्या इस तरीके से ये जो घेर लेना है, क्या ये एक तरीके से हाइड्रेशन है, बोला अब तो आप अलग हो गए हो, पहले तो टक्कर मारी खूब सारी, और टक्कर मारने के बाद अब क्या इसको घेर के बैठ गए कि अब तो आपको नहीं जाने देंगे सीएल के पास, बोलो क्या यही हाइड्रेशन है, और सीएल के चारों तरफ कौन आ गए, क्या एच प्लस, एच प्लस कि तू माइनस हो, हम देखो प्लस है, सारा ओ ने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, तो इसके पास एच एच आ गए, क्या इसने भी घेर लिया सीएल को, और पूरी जिंदगी अब ये लोग मिल नहीं पाएंगे अगर एक बार आपने इनको पानी में डाल लिया, बताओ। NaOH नहीं बनेगा, इट इज हाइड्रेटेड, यानी OH थोड़ी ना बना, Na के चारों तरफ वाटर ने घेर लिया। भाई उस दिन आपने वो बात याद की थी कि नहीं, अभी अस्मित ने बताई थी कि 100 ग्राम में NaCl सिर्फ कितना घेरा जा सकता है, 36 ग्राम बताया था कि नहीं उसने, बोलो।
ब्राइन सोल्यूशन बताने के लिए। तो उसने क्यों बताया था कि 36 ग्राम? उसने इसलिए बताया था कि इसको घेरने के लिए 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, और इसको घेरने के लिए कितने चाहिए? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये बात अस्मित को बखूबी पता थी। अच्छा, अब इन दोनों को जब जब सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर खर्च हो जाएंगे तो और नमक डालोगे तो क्या वो नमक के लिए पानी के मॉलिक्यूल बचेंगे कि वो फिर खट से मिलने लगेंगे? फिर उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, मिल जाएंगे। तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितने डाल सकते हो? क्या 36 ग्राम? क्योंकि पानी उतने को ही तो रोक पाएगा जितने को घेर पाएगा। जब सारे तुम्हारे खर्च हो गए, 14 मॉलिक्यूल लग रहे हैं एक को तोड़ने में, जब सारा पानी खर्च हो गया, अब और डालोगे तो अब कौन घेरेगा? क्या वो वापस नहीं मिल जाएंगे अगर टूटेंगे भी तो? बोलो, बताइए। और नीचे बैठ जाएंगे, नमक बैठ जाएगा नीचे, तो वो और नहीं घोल सकते हो, तो एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो ये बात अस्मित को पता थी कि उन्होंने कहा 36 ग्राम से ज्यादा आप नहीं कर सकते, आप ट्राई कर लीजिए। अब आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो टेम्परेचर इनके बॉन्ड को तोड़ देगा, और वो टूट टूट के रहेंगे तो तब तो टूट जाएगा। अगर कोई आपने श्रेयान का हाथ पकड़ रखा है, कोई एनर्जी दे, तूफान आए तो हाथ टूट जाता है कि नहीं? झटक जाता है। और फिर अगर सब कूल हो जाए तो फिर से हाथ पकड़ लिया जाता है। तो एनर्जी तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकती है, चीज़ों को मेल्ट कर देती है, सॉलिड को लिक्विड बना देती है, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। टेम्परेचर में तो ताकत है ही है, एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो, किसी को इलेक्ट्रॉन ही निकाल लो, किसी का प्रोटॉन निकाल लो, न्यूक्लियर रिएक्शन कर लो, सब कुछ तो वो चीज़ है। लेकिन आप समझ गए ना कि इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर, तो अगर पानी नहीं होगा तो क्या इनका हाइड्रेशन हो पाएगा? ये बताओ, इसको क्या कहते हैं? क्या हाइड्रेशन ऑफ एसिड है? हाइड्रेशन है, सब इसके चारों तरफ आ गए। सो एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी नहीं रहेगा, सब HCl ले लो, तो कौन? अब ये देखो, ये HCl है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, इसको कोई तोड़ने आ पाएगा? बोलो, कौन तोड़ेगा इसको? कोई घेरने भी आ पा रहा है? बोलो, बताइए। तो पहला काम क्या है? कोई इसके बॉन्ड को तोड़ दे, कैंची चला दे और फिर इसको घेर के बैठ जाए। अगर घेर के बैठ जाए तो क्या Na प्लस Cl से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। सो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो बीच का बॉन्ड तोड़ना और दूसरी चीज उसको घेर के बैठ जाना, पूरा घेर लो, तो क्या वो मिल पाएगा? H प्लस और Cl मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इन इस केस में अगर HCl प्योर फॉर्म में है, क्या कोई इसके बॉन्ड को तोड़ पाएगा? तो अब ये देखो, होता क्या है कि दो चीजें जरूरी हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बोलो क्या जरूरी है? बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरी चीज क्या जरूरी है? क्या हाइड्रेशन? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दिखाया ना अभी आपको, क्या चीज दूसरी चीजें बताइए? सराउंडिंग विद, किससे घिर जाना? वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये देखो, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 400 किलो जूल एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए? 400 किलो जूल। और इसको जब हाइड्रेशन होगा तो मालूम है कितनी एनर्जी निकलती है? 1600 किलो जूल। तो बताओ, टूट जाएगा, और लेकिन जब हाइड्रेशन होगा तो जब इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो क्या उससे अगले चार नहीं टूट जाएंगे? 1600 में कितने टूट जाएंगे? देखो, 400 एक को चाहिए। तो बोलो, इसीलिए जब HCl को पानी में डालते हो तो बहुत सारी हीट पैदा होती है, क्या सोल्यूशन या परख नली गर्म हो जाती है, टेस्ट ट्यूब, बताइए, क्योंकि उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तभी ऐसा होता है। तो जब भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम होगी, तब तब ऐसा होगा। अब आप देख लो, ये क्या है? ये कार्बन कार्बन, ये सब कोयला है कि नहीं? ये कोयला है, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये बात किसी को पता है? अच्छा, कोयले में थोड़ा सा दिया सलाई लगा दो, माचिस लगा दो, तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? थोड़ी सी आग दी ना आपने, इसको तोड़ने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और जैसे ये टूटा तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट की तो क्या 1000 किलो जूल एनर्जी बना दी, और अब उससे 5 बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर उसके बाद तो पूरा कोयला जलने में देर नहीं लगेगी, बताइए।
देखो बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगी, और फिर उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन में क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। सो इस तरीके से यहां पर भी वही चीज है कि दे, अब हम इसकी बात करें कि एसिड्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर इनमें वाटर ना डाला जाए तो कौन इसका बॉन्ड तोड़े, इनको कौन देगा 400 किलो जूल एनर्जी? अगर ये सोल्यूशन सोल्यूशन ही दे देगा, क्या HCl ही दे देगा? अगर ये देने लगे तो ये ठंडा हो जाए, ये जम जाए, ऐसे सराउंडिंग से 10-20 किलो जूल एनर्जी ली जा सकती, कोई नहीं देगा 400 किलो जूल। तो इसलिए एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर डू नॉट डिसोसिएट, सीधी सी बात यही लिखना। क्या लिखोगे? इन एब्सेंस ऑफ वाटर डू नॉट डिसोसिएट, किस में नहीं डिसोसिएट होते हैं? इन H प्लस आयन एंड, और दूसरी चीज क्या होगी? एंड एन आयन, एन आयन कौन कौन से हो सकते हैं? क्या Cl माइनस हो सकता है? क्या SO4 2 माइनस हो सकता है? क्या HNO3 है तो NO3 माइनस हो सकता है? बोल, यही सब तो हो सकता है भाई। अभी ये सब टूटे तो क्या क्या बनाएंगे? एक H प्लस आयन, एक Cl माइनस, ये टूटते ही नहीं इन एब्सेंस ऑफ वाटर। और इस वजह से क्या करते हैं? वी नो दैट एज इट एसिडिक करेक्टर इज कैन ओनली बी एग्जीबिटेड बाई एच प्लस आयन ओनली, एस ये एज दे रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म सो दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, ये कुछ भी नहीं शो करेंगे, ना लिटरस पेपर को कुछ करेंगे, एंड रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म। एंड क्या एच एफ? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, मॉलिकुलर फॉर्म, सो दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। प्रांजल बात समझ में आई? एसिडिक बिहेवियर की सीधी बात है, वो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जब तक नहीं होगी तब एनर्जी रिलीज होगी तो उसी से तो टूटेंगे और चेन रिएक्शन बनेगी। तो शुरू में एक आध मॉलिक्यूल टूट गया, कोई उतनी एनर्जी मिल गई, फिर उसके बाद अरे इतनी एनर्जी रिलीज हो गई तो चार चार टूटने लगे, फिर चार टूटेंगे तो जानते हो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्या 6400? उससे कितने टूट जाएंगे? 16, रिएक्शन शुरू हो गई। बट लेकिन पानी नहीं होगा तो हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, हाइड्रेशन अगर नहीं होगा तो बॉन्ड टूट नहीं पाएंगे, बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो H प्लस बनेगा क्या? सबसे बड़ी चीज है हाइड्रेशन। कभी आपने सोचा है कि ये BaSO4 नीचे क्यों बैठ जाता है? पहले चैप्टर में पढ़ा है प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है, कभी मन में बात आई है क्या कि नहीं? BaSO4 PbI2, BaSO4 के बॉन्ड टूटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? BaSO4 के बॉन्ड को टूटने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। बी ए बेरियम तो बहुत बड़ा है, 56 है इसका एटॉमिक नंबर। तो अब इनके पास वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं हमें नहीं जाना, इतने बड़े बड़े हैं और चार्ज दो रखे और बड़ा सा है, तो इसलिए जब ये टूटने के बाद पानी की घेरने की बात आती है, किसी की इच्छा नहीं होती छोटे छोटे हों, लालच आती है एच प्लस प्रोटॉन है भागो इसकी ओर, सी एल माइनस अकेला आयन है भागो इसको घेर लो चारों तरफ से। लेकिन इतने बड़े बड़े हों, पांच पांच एटम के पॉली एटॉमिक आयन, तो कोई आएगा बताओ इसके पास? कोई नहीं आता। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अगर अनविलिंगली घेर भी लेते हैं तो 20 इसको घेर लिया, और कितनी हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज की? 20 किलो जूल। बताओ ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसकी हिम्मत है कि अगले को तोड़ ले? 100 चाहिए तोड़ने के लिए, 20 रिलीज कर रहा है, तो आओ आप टूट पाएंगे? सोल्यूशन एक मिनट में ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कूल हो गया तो जो होना है वो भी नहीं होगा। तो अगर आपकी लैटिस एंथैल्पी तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी वो ज़्यादा है, और जो यहाँ से हाइड्रेशन एंड एनर्जी कम है, तो वो कभी भी चीज पानी में सॉल्युबल नहीं होगी। लैटिस का मतलब जानते हो ना, लैटिस तोड़ा जाता है। और अगर भाई एसिड बेस की बात नहीं है तो साल्ट की बात करें, BSO4 ना उसमें H प्लस है ना OH है, ठीक है ना, ये तो सभी जानते हैं। BSO4 क्या हो सकता है? पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो आप समझ गए कि नहीं? एसिड बेस हो सकता है क्या? आप ही देख के बता दो, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा कि जूम करें।
अच्छा यहाँ पर बताओ, सीजन लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी जो रिलीज होने वाली एनर्जी है ज्यादा है, तो वो और बॉन्ड तोड़ देगी। यहाँ क्या ज्यादा है? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वो चीज कभी सॉल्युबल नहीं होगी, प्रेसिपिटेट की तरह पड़ी रहेगी किनारे। वाटर मॉलिक्यूल स्वागत नहीं करेंगे, कहेंगे तुम लोग जुड़ जाओ, इससे अच्छा है हम लोग घेरना नहीं चाहते। इतने बड़े बड़े तो मॉलिक्यूल हो, हम आपके पास क्या आए। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इसलिए ये प्रेसिपिटेट है। थोड़ी थोड़ी तो आ गई होगी ना। चलो अब आगे की बात करते हैं, जो थोड़ी केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए ना, लैंग्वेज, इसलिए मैं बीच बीच में बता देता हूँ। आंसर तो छोटा ही है कि मॉलिकुलर फॉर्म में रहते हैं, एच प्लस नहीं देते हैं, और इसलिए एसिडिक करेक्टर नहीं शो करते हैं। इसके अलावा और कुछ लिखना है क्या? इससे ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं मॉलिकुलर फॉर्म में, वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखो फाइव सोल्यूशन क्या है, ए बी सी डी ई। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर से किए जाते हैं ए बी सी डी ई, तो इनके पीएच दिए हैं, पीएच की वैल्यू क्या क्या दी है, 4, 1, 11, 7 और 9। तो आपको ये बताना है कौन सा न्यूट्रल है। अच्छा कौन सा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है, ज्यादा अल्कलाइन है, बोलो। स्ट्रॉन्गली है ना, क्योंकि 10 से ऊपर सब स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। अब आगे देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अच्छा अब आगे पूछ रहा है वीकली एसिडिक कौन है, ये कॉफी एपी लो इसको, वीकली एसिडिक। ये डाइल्यूट एच सी एल है, और वीकली अल्कलाइन कौन सा है, क्योंकि 7 से थोड़ा ऊपर है, 7 से बहुत ज्यादा है तब तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है। अब देखो 10 की इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। दो लेंथ दो लो और दोनों में एक मैग्नीशियम रिबन डाल दो, तो इसमें भी एक मैग्नीशियम रिबन डाल दो, और एक में HCl डालो, डाइल्यूट डालना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब समझते हो कि इनका डिफरेंस नहीं समझते? हाँ ये देखो, ये कुणाल ने बताया कि आप लोग भी समझ लो कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, क्योंकि तो 9th में था इसीलिए कुणाल ने बताया, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में सोल्यूशन है। हाँ वो उतना ही, लेकिन हमने समझ ली जो आप कहना चाहते थे, ये तो मन की बात है ना। वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, समझ में आई बात? वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, हाइड्रो क्लोरिक एसिड ये है डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एचसीएल। क्या आप ये समझते हो जो कंसंट्रेटेड एचसीएल है उसमें पानी बिल्कुल नहीं है? नहीं, ऐसा मत समझो, उसमें भी पानी है, लेकिन उसमें ये समझ लीजिए कि 10% पानी है, और जो बहुत डाइल्यूट है फिर और पानी मिलाते जाओ ऐसा, क्योंकि गैस से सीधा आप बोतल में भर लोगे क्या HCl गैस को, व्हाइट कलर की फ्यूम होती है, बोतल में भर लोगे, बोलोगे अभी कंसंट्रेटेड है, पानी में डालोगे तभी एसिड बनेगा, चाहे H2SO4 या कुछ भी हो, तो वो दैट इज HCl है। तो आप समझ में आ गया ना बात? तो जब वो कह रहा है कि एसिड है, इट इज, एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाला गया, क्या HCl, और एक में क्या डाला गया, CH3COOH, और ये किसका रिबन है, Mg का रिबन है। अब ये देखो, तो इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग, किसमें जो फिजिंग है यानी बुलबुले बड़ी तेजी से निकलेंगे, तो अफरवेसेंस, किसमें ब्रिस्क अफरवेसेंस होगा, तेजी से बुलबुले निकलेंगे, फिजिंग का मतलब समझते हो ना, ब्रिस्क अफरवेसेंस, तो बताओ किसमें ज्यादा होगा। सर दोनों एसिड हैं,
ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो Mg क्या है, Mg और जो HCl की रिएक्शन होगी तो MgCl2 बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन कोई निकाल देगा. तो यहाँ पर HCl दोनों से रिएक्शन करेगा, ऐसी बात नहीं है. Mg इससे भी रिएक्शन करेगा, CH3COOH से भी रिएक्शन करेगा, बट ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन कैसी है, स्लो. तो CH3COOH, जिसे मैग्नीशियम एसीटेट कहेंगे और H2 बनेगा, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम एसीटेट. ये टूटेगा ही नहीं क्योंकि एक लाख में एक टूटता है. एज एच सी एल इज स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड, सो इट विल रिएक्ट वेरी फास्ट विद मैग्नीशियम रिबन एंड रिलीज मोर एच टू गैस, रिएक्ट वेरी फास्ट विद Mg and release more H2. ठीक है. अच्छा, जैसे कि आप ये देख लो, एग है, एग में विनेगर डाला जाए तो क्या होता है, एक वीडियो दिखा देते हैं आपको तो उससे पता चल जाएगा कि फिजिंग कैसे होती है. ये देखिए कि एडिंग विनेगर टू एग. अच्छा, नाउ दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड तब तक वीडियो आ रहा है वेरी फास्ट विद एंड रिलीज मोर एच टू, सो मोर एच टू, सो फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली, बड़ी तेजी से, किसमें होगी, इन HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन में बड़ी तेजी से होगी. तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आएगा तो दिखा देंगे. अब जरा देखो कि यहां पर ये देखिए, एग ले लीजिए कोई भी है, चाहे देसी अंडा ले लीजिए, कोई भी आप एग ले लें और विनेगर ले लें. विनेगर चाउमीन में पड़ता है, 10 रुपए की बोतल आ जाती है. Or have asthma or diabetes, protect yourself with annual flu vaccination. Thank you.
इसकी सारी फिजिंग हो जाएगी। अब देखो ये क्या बचा, थोड़ा सा और पहले निकल गया। अब इसके बाद इसकी ये मेम्ब्रेन बची, प्रोटीन प्रोटीनेशियस कैल्शियम कार्बोनेट भी चला गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर योग बचा है, ग्लूमिन भूल गया, येलो पोर्शन जो प्रोटीन का बना है जो इसका न्यूक्लियस है। ये देखो ये है असली चीज जो बीच की है, क्या क्या पूछ रहे हैं बताइए। ये अगर मान लो ऊपर वाली रिएक्शन है, अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट में डाल दिया तो क्या होगा बताओ, CaCO3 होती है क्या इसकी एग शेल, और उसमें आपने क्या डाला, क्या CH3COO डाला, H यही डाला, विनेगर, क्या विनेगर जो है वो 5% CH3COOH और 95% पानी है क्या, ये प्योर विनेगर नहीं है बताइए, जो विनेगर हम यूज करते हैं उसमें कितना कितना डाइल्यूटेड है, 95% डाइल्यूटेड है। अब इसमें क्या रिएक्शन कर जाएगी, CH3COO और ये देखो इनको फार्मूला भी पता है, और ये तो CH3COO होल ट्वाइस सी है, ये चीज़ है तो ये टू चाहिए ना, और फिर ये भी और सी ए से मिलकर ये बना दिया। अब क्या क्या बचा, क्या CO2 बचा और क्या H2O बचा, देख लो दो H यहाँ से बचे, एक O यहाँ से बचा, यही बना कि नहीं, तो उसकी पूरी तो शेल घुल गई ना, ठीक है। However, this is not in context with this. तो आपने ये तो देख लिया ना कि फिजिंग क्या होती है, मुझे फिजिंग बतानी। कभी ऐसा देखा है कि कोल्ड ड्रिंक खोली है उसमें से बुलबुले निकल रहे हो, क्या वही फिजिंग है, उसी तरीके की फिजिंग हो रही है। आगे देखिए कि अब 11th क्वेश्चन कि फ्रेश मिल्क का pH 6 है, तो एक्सप्लेन हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एट एज इट विल चेंज इन टू कर्ड। सो वेन क्या होगा, लैक्टेशन अकर्ड इन मिल्क, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, कर्डिंग, दैट इज कर्डिंग अकर्स इन मिल्क, तो क्या होगा बताइए, देन इट विल बिकम मोर एसिडिक, क्यों एसिडिक होगा, एसिडिक एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन, अपने को बढ़ाएंगे, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन रिलीज, वो रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड, क्या चीज वो रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड। सो अब सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, सो पीएच विल फॉल बिलो 6, सो पीएच ऑफ जो वो है कर्ड विल बी 6 रहेगा, मिल्क का 6 है तो कर्ड का कितना होना चाहिए, क्या कम नहीं होना चाहिए, और खट्टा हो जाए और खट्टा हो जाए तो 4 तक भी पहुंच जाएगा, खट्टा दही होता है कभी देखा है, कई दिन का रखा हुआ। सो pH of curd will fall below below 6, ऐसा इस वजह से होगा लैक्टिक एसिड उसमें आ गया, ज्यादा लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने रिलीज कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मिल्क मैन है वो ऐड करता है बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, सो मिल्क मैन जब ऐड करेगा बेकिंग सोडा तो क्या होगा, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, he shifts pH of milk from 6 milk का 6 होता है to slightly alkaline as lactobacillus bacteria can not reproduce
इन बेसिक मीडियम, ठीक है, देयर रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन एसिडिक मीडियम, देयर रिप्रोडक्शन या ग्रोथ लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन ना लिखना चाहो तो, ग्रोथ इज पॉसिबल इन एसिडिक मीडियम। सो इट प्रिवेंट्स, बेकिंग सोडा प्रिवेंट्स मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग। सो बेकिंग सोडा प्रिवेंट्स मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो ये बताओ कि ऐसे ही सीजन हम उसे क्यों नहीं दही में बदल लेते हैं, उसे उबाल के क्यों दही जमाते हैं? हाँ, हार्मफुल बैक्टीरिया को हम मार देते हैं फिर दही डालते हैं, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में हमें सभी बैक्टीरिया खाने पड़ेंगे। तो ये अच्छी बात आपने बताई। अब ये देखो, वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड? सो दिस मिल्क टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड एज व्हेन लैक्टिक एसिड इज कंटिन्यूअसली रिलीज बाय दीज बैक्टीरिया, देन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क फॉल्स एट 6। वो फिर कितने पे आ जाएगी? फिर से 6 पे आ जाएगी। अब तो वो दूध रह गया ना, अभी हमने 7 से ऊपर किया था 8 पे, अब फिर से 6 पे वो ले आए कि नहीं? एज व्हेन लैक्टिक एसिड इज कंटिन्यूअसली रिलीज्ड बाई बैक्टीरिया एबव सेट बैक्टीरिया, देन पीएच ऑफ मिल्क, तो पीएच ऑफ मिल्क क्या होगा? कंटिन्यूअसली किया जाए तो पीएच ऑफ मिल्क कम्स 2.6। दिस इज ओनली सूटेबल मीडियम फॉर देयर फर्दर एंड रैपिड ग्रोथ। पहले तो उन्हें 6 तक लाना पड़ेगा, जब 6 पे ले आए तब क्या वो अब तेजी से ग्रो करेंगे, ठीक है? सो दिस पीएच, एट दिस पीएच इज ओनली सूटेबल फॉर देयर रैपिड ग्रोथ। उन्हें उन्हें दो काम करना पड़ा, पहले तो वो धीरे धीरे अपने को जिंदा रखे, थोड़ा थोड़ा एसिड सेक्रीट किए, और एसिड मुंह से सेक्रीट करते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे माउथ में एसिड सेक्रीट करते रहते हैं, वैसे वो भी सेक्रीट करते रहते हैं। फिर वो ग्रोथ तो तभी पॉसिबल है जब एसिडिक मीडियम हो, फिर बच्चे देना तभी शुरू करेंगे जब 6 पे आएंगे। जिंदा रहेंगे लेकिन बच्चे नहीं दे पैदा करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हेंस अगर वो जो दूधिया दूध दे जाएगा उसमें दही जमा पाओगे कि पूरा शाम लग जाएगी? 2 घंटे में नहीं जमा पाओगे, वो 8 वाला दे जा रहा है पीएच 8 वाला, दही जमेगी उसमें? या दही डाल दो खूब सारी, 200 ग्राम अमूल दही ले आओ डाल दो, तब तो जम जाएगी, वरना नहीं जमा पाओगे कि 1 चम्मच डाल के जमा लिया। एंड सच मिल्क, इसलिए क्या होगा, मिल्क टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, सेट एज कर्ड। अच्छा नेक्स्ट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अमित, क्यों इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है? हाँ, कंटेन्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एज इट, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इफ इट इज केप्ट ओपन इन ओपन कंडीशन देन इट विल एब्जॉर्ब
नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम ह्यूमिड एटमॉस्फियर एंड गेट कन्वर्टेड इंटू हार्ड मास, और किसमें बदल जाएगा? हाँ, कन्वर्टेड इंटू हार्ड मास जिप्सम एंड इट विल बी ऑफ नो यूज. क्या उसका कुछ इस्तेमाल रह जाएगा? इसलिए उसको बिल्कुल पैक करके डबल पैकिंग में आता है. जब भी पीओपी लेने जाओगे सस्ती बहुत मिलती है, 10 रुपए किलो, लेकिन डबल पैकिंग है. व्हाई इज ए व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव टू एग्जांपल. तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स, दो एग्जांपल कौन कौन से दे दोगे? एच सी एल प्लस एन ए ओ एच, एच सी एल प्लस के ओ एच दे देना, दो हो गए. कोई भी दे देना, एन ए सी एल प्लस एच टू ओ, और यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस एच टू ओ. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो जानते हो, व्हेन एसिड एंड बेस, अगर पता है तो एक बार मुझे बस बता दो. सीजन अच्छा ये बता दें, कौन बताएगा? ईशान सही बता देंगे. ईशान बताओ. ये करेक्ट बता रहे हैं ईशान ने, सही बताया. इक्विमोलर वर्ड ये जो सीजन ने नहीं बताया था वो ईशान ने देखो ऐड किया कि व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर अमाउंट. ये ईशान ने पकड़ ली बात, इक्विमोलर अमाउंट, देन दे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर. दे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर. टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. अच्छा, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. ये तो पता है ना आपको, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का. इतना ही रखो आज के लिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सर. वेलकम.